हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इन यूनिट टू यूनिट एंड मेजरमेंट फिजिकल क्वांटिटी उसके टाइप्स के बारे में सीखा था, राइट? अब उसके टाइप्स जो फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड डिराइव फिजिकल क्वांटिटी, ओके? तो वो हमने डिराइव किया था, उसके बाद उसके यूनिट्स भी हमने डिराइव किए। तो अब आगे हम देखते हैं इसमें इन यूनिट एंड मेजरमेंट। सो व्हाट इज यूनिट? यूनिट का यूज क्या है? तो हमें कोई भी चीज अगर मेजर करनी हो तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें यूनिट तो चाहिए, ओके? तो उसके लिए हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के 7 यूनिट्स तो है, दूसरा हमारे पास डिराइव फिजिकल क्वांटिटी के भी यूनिट्स है, ओके? तो इतने सारे यूनिट्स फंडामेंटल एंड डिराइव दोनों क्वांटिटी के अगर यूनिट्स एक साथ हो जाए तो उसको एक मेथड नाम दिया गया है, जिसको यूनिट मेथड नाम बोलते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं यूनिट मेथड। सो पहले हम ये कॉमन डेफिनेशन है लिख लेते हैं। यूनिट मेथड कब बनेगी? ये यूनिट मेथड या फिर यूनिट सिस्टम भी आप बोल सकते हो। यूनिट सिस्टम अच्छा रहेगा, वो लिख लेते हैं यूनिट सिस्टम। सो व्हाट इज यूनिट सिस्टम? द ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल यूनिट्स एंड डिराइव फिजिकल यूनिट्स आर कॉल्ड यूनिट सिस्टम। हम लिख लेते हैं यहाँ पे द ग्रुप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी physical units are called unit system। Simple definition है। हम देखते हैं again the group of combination of fundamental physical units and derived physical units are called unit system। And ऐसे हमारे पास 4 unit system है। वो कौन कौन सी है हम देखते हैं। तो इसमें से first है there are 4 unit system जिसपे first हम देख रहे हैं CGS unit system। Second is MKS unit system। Third is FPS unit system and fourth one is SI unit system। Okay, so अब इसको हम ये जो सारी 4 unit system है उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो first है CGS unit system। CGS, MKS, FPS unit system में ये जो सारे capital है वो क्या है, क्या indicate करते हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो first CGS unit system जिसमें C यानी सेंटीमीटर G यानी ग्राम, S यानी सेकंड। CGS यूनिट सिस्टम में C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम एंड S यानी सेकंड। चलो सेकंड इज MKS यूनिट सिस्टम।
where m is meter, k is kilogram and s is again second. Third is FPS unit system. FPS unit system. Where F is equal to foot, P is equal to pound, and S is again second. And fourth, ऐसा यूनिट हम डिस्कस करें उससे पहले यहाँ पे देख लो तो CGS यूनिट सिस्टम जिसमें C यानी सेंटीमीटर, G यानी ग्राम, S यानी सेकेंड, MKS यूनिट सिस्टम where M is मीटर, K is in किलोग्राम, S is in सेकेंड, and FPS यूनिट सिस्टम where F is फुट, P is in पाउंड and S is सेकेंड. आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि कौन सा जो यूनिट है वो सेम है सबके, तो सेकेंड यूनिट जो है वो सब में कॉमन है, बाकी के आपको लेटर के हिसाब से यहाँ रह जाएगा, एकदम इजी है. ओके, तो हम फोर्थ ऐसा यूनिट सिस्टम हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. ओके, तो ऐसा यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम. अब ये जो है ऐसा यूनिट सिस्टम, अब यहाँ पे आप लोग देखो तो ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड के हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि हाँ ये सारे यूनिट्स हैं. ओके, ये जो मेथड है यूनिट सिस्टम है उसकी रचना की गई है क्योंकि मेजर करने के लिए हमें सारे यूनिट चाहिए. बट यहाँ पे फोर्थ जो है ऐसा यूनिट सिस्टम वो किस लिए बनाई गई, तो ऐसा यूनिट सिस्टम सिस्टम इंटरनेशनल की रचना क्यों की गई. ओके, तो उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं. तो फॉर एग्जांपल कि एक मीटर यानी 100 सेंटीमीटर ये फिक्स वैल्यू है. अब ये फिक्स वैल्यू है ये हम जानते हैं. फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में इतनी वैल्यू 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर फिक्स है और अमेरिका में ये वैल्यू फिक्स नहीं होती तो प्रॉब्लम हो जाती, हम मेजर कैसे करते. ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर इज इक्वल 100 सेंटीमीटर है और अमेरिका में ये वैल्यू इतनी फिक्स नहीं है, वहां पे कुछ और है तो प्रॉब्लम हो जाती है. तो हम लेंथ का मेजर कैसे करते. ओके, तो ये सारी जो अड़चन आती है उसको उसका सॉल्यूशन करने के लिए कौन सी यूनिट सिस्टम बनाई गई है, ऐसा यूनिट सिस्टम. ओके, ये सिस्टम बनाने के बाद जो हमारी 7 फिजिकल फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऐसा यूनिट में रख दिया गया और उसके जो यूनिट्स है उसको भी ऐसा यूनिट के हिसाब से जाना गया है. तो हम अगेन यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं. फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स एसआई यूनिट्स. सो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को अब हमें याद रह जाना चाहिए. फर्स्ट इज लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड सब्सटेंस ऑफ मोल. ओके, तो ये जो सारी फिजिकल क्वांटिटी है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है उसको ऐसा सिस्टम बनाने के बाद उसमें रख दिया गया और उसके यूनिट जो है इसकी यूनिट वो ऐसा यूनिट के नाम से जाना गया. तो लेंथ का ऐसा यूनिट होगा मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड जो है हम पहले सीख के आए हैं वही है, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर,
थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर केल्विन, ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी कैंडेला और सब्सटेंस ऑफ मोल का यूनिट मोल। ओके, सिर्फ हमने ऐसे यूनिट सिस्टम के हिसाब से लिखा है, बाकी फंडामेंटल का जो यूनिट और उसकी क्वांटिटी है वो सेम ही रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे आपको ख्याल आया कि हमारा जो यूनिट है यूनिट टू टाइटल उसका यूनिट एंड मेजरमेंट में, अब मेजरमेंट के साथ यूनिट कैसे कनेक्टेड है वो हम यहाँ पे सीख रहे हैं। तो उसके लिए यूनिट सिस्टम कंपल्सरी चाहिए हमें, उसकी जो यूनिट सिस्टम है वो टोटल फोर है, जीएस एमकेएस एफकेएस एंड एसआई यूनिट, जिसमें हम अलग अलग लेटर यहाँ पे दिया गया है। ओके, और लास्ट एसआई यूनिट जो है उसकी फिजिकल क्वांटिटी और उसके हिसाब से यूनिट हम यहाँ पे सीख गए हैं। आप नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। और हाँ, ये जो है एसआई यूनिट और उसकी फिजिकल क्वांटिटी, ये एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट, फॉर एग्जाम्पल गिव द यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, सो प्लीज नोट कर लीजिए। अगली थ्योरी हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।